वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट इज द ट्रेसर टेक्निक्स व्हिच कम्स अंडर योर फर्स्ट यूनिट ऑफ फार्माकोजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. एंड दिस इज द मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटरमिनेशन इन विच वी विल स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज. सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज द ट्रेसर टेक्निक्स. सो लिविंग प्लांट्स कंसिडर्ड एज ए बायोसिंथेटिक लैब. ठीक है, जो हमारे भी प्लांट्स हैं वो हम कंसिडर करते हैं एज ए बायोसिंथेटिक लैब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए, कि लिविंग प्लांट्स में ही होता है. सो वेरियस इंटरमीडिएट एंड स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेटिक पाथवेज इन प्लांट्स दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाई मीन्स ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स. अब वो टेक्निक्स क्या क्या होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, इन्वेस्टिगेट हम जिससे कर सकते हैं. फर्स्ट है यूजिंग आइसोलेटेड ऑर्गन्स इन टिश्यू. सेकेंड है ग्राफ्टिंग मेथड. थर्ड इज म्यूटेंट स्ट्रेन्स एंड फोर्थ वन इज ट्रेसर टेक्निक. सो फर्स्ट है बाय यूजिंग आइसोलेटेड ऑर्गन इन टिश्यू आप कैसे कर सकते हैं. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन यूजिंग आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो प्लांट के आइसोलेटेड पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेम है, रूट्स हैं एटसेट्रा. दिस टेक्निक इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड. इससे क्या होता है, इस टेक्निक की हेल्प से हम साइट ऑफ सिंथेसिस को डिटरमाइन कर सकते हैं एक कंपाउंड की. फॉर एग्जाम्पल रूट्स हैं, लीव्स हैं फॉर द स्टडी ऑफ निकोटियन एंड धतूरा. इसमें हम रूट्स के और लीव्स को स्टडी करते हैं. पेटल डिस्क फॉर द स्टडी ऑफ ऑयल ऑफ द रोज के लिए हम पेटल डिस्क करते हैं. प्रोपीन एल्कलॉइड्स फॉर्म इन रूट्स एंड सोलेनेसी फैमिली. देन ग्राफ्टिंग मेथड. अब ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ एल्कलॉइड फॉर्मेशन बाय ग्राफ्टेड प्लांट्स. ये क्या करते हैं, हम ग्राफ्टेड प्लांट्स लेते हैं. ग्राफ्टेड प्लांट्स में क्या होता है, एक पार्ट दूसरे का है, दूसरा दो प्लांट्स का मिक्स है, जैसे हाइब्रिड कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, शॉन्स होते हैं, टोमेटो शॉन्स ग्राफ्टेड ऑन धतूरा. ऑन धतूरा एक्यूमुलेट एल्कलॉइड्स व्हाइल धतूरा शॉन ग्राफ्टेड ऑन टोमेटो. अगर हम धतूरा का शॉन रखते हैं टोमेटो पे तो बहुत कम एल्कलॉइड होते हैं, बट अगर हम टोमेटो का शॉन ग्राफ्ट कर देते हैं धतूरा पर तो उससे हमें बहुत सारा एल्कलॉइड का कंटेंट मिलता है. सो दिस सजेस्ट दैट मेन साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ धतूरा एल्कलॉइड इज रूट. अगर मेन साइट रूट है तभी वो ग्रो करता है. थर्ड मेथड है आपका यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स. अब इसमें क्या करना है, इन दिस मेथड म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस व्हिच लैक सर्टेन एंजाइम. ऐसी स्ट्रेन्स लाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं जिनमें सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स नहीं होती है, कमी रहती है. फॉर एग्जाम्पल गिब्रेला म्यूटेंट इज यूज टू प्रोड्यूस आइसोप्रिनोइड कंपाउंड. गिब्रेला को हम यूज करते हैं आइसोप्रिनोइड कंपाउंड के लिए. लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस इज यूज फॉर मेवोलेनिक एसिड पाथवे. लैक्टोबैसिलस किस लिए यूज होता है, मेवोलेनिक एसिड पाथवे ऑफ आइसोप्रिनोइड कंपाउंड सिंथेसिस. नेक्स्ट है ट्रेसर टेक्निक. दिस टेक्निक यूटिलाइज लेबल्ड कंपाउंड्स टू फाइंड आउट ट्रेस. फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेस करने के लिए कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं एंड वेरियस स्टेप्स इन द बायोसिंथेटिक पाथवे. सो अब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल ट्रेसर टेक्निक क्या होता है. इट कैन बी डिफाइंड एज ए टेक्निक विच यूटिलाइजेज ए लेबल कंपाउंड. ये ऐसी टेक्निक है जो लेबल कंपाउंड को यूटिलाइज करती है. क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए या फिर ट्रेस करने के लिए डिफरेंट इंटरमीडिएट्स, अलग अलग जो इंटरमीडिएट्स हैं एंड वेरियस स्टेप्स इन बायोसिंथेटिक पाथवेज इन द प्लांट्स एट अ गिवन रेट एंड टाइम. ऑल्सो दिस टेक्निक यूटिलाइजेज अ लेबल कंपाउंड व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट सिस्टम. हम और इस टेक्निक में क्या करते हैं, एक लेबल कंपाउंड को इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट सिस्टम में. दे बिकम पार्ट ऑफ द जनरल मेटाबॉलिक पूल. वो फिर सिंपल मेटाबॉलिक टूल का वो पार्ट हो जाता है एंड अंडरगोज रिएक्शन एसोसिएटेड विद द दैट पर्टिकुलर प्लांट सिस्टम. देखिए
इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक है जो एक लेबल कंपाउंड हम डालते हैं ट्रेस आउट करने के लिए कितने कितने इंटरमीडिएट्स बीच में स्टेप्स आ रहे हैं। और इस टेक्निक के अंदर लेबल कंपाउंड्स को यूज किया जाता है प्लांट सिस्टम के अंदर, इंट्रोड्यूस करते हैं और वो पार्ट आपका इंपॉर्टेंट जनरल मेटाबॉलिक और अंडरगोज रिएक्शन जाता है जो बेसिकली पर्टिकुलर प्लांट सिस्टम का पार्ट है। अब सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेसर टेक्निक का, एक तो ये हाई सेंसिटिविटी है इसकी, ठीक है, जल्दी से हमें पता चल जाता है, एप्लीकेबल टू लिविंग सिस्टम में हम ये डाल सकते हैं लेबल कंपाउंड आपका, वाइड रेंजेस ऑफ आइसोटॉप्स आर अवेलेबल, मोर रिलायबल है ये मेथड, इजी एडमिनिस्ट्रेशन है इस मेथड की और आइसोलेशन प्रोसीजर है इस मेथड से हम कर सकते हैं, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट इफ प्रॉपर मेटाबॉलिक टाइम एंड टेक्निक अप्लाइड, अगर एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं अगर प्रॉपर उसको टाइम दिया जाता है, लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ट्रेसर 14 कार्बन लेबल ग्लूकोज इज यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड डिफरेंट ट्रेसर्स कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट स्टडीज, फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टडीज ऑन नाइट्रोजन एंड इम्यूनो एसिड्स के लिए लेबल नाइट्रोजन हम यूज करते हैं, गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देन द कार्बन, से बेटर नाइट्रोजन हमें एक देता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्राइटेरिया क्या है ट्रेसर या आइसोटॉप सिलेक्शन का, तो टू टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स आर जनरली यूज फॉर द लेबलिंग, एक होता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, सेकेंड इज स्टेबल आइसोटॉप्स। सो फॉलोइंग आइसोटॉप्स मस्ट बी कंसिडर बिफोर सिलेक्शन, क्या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए सिलेक्शन से पहले, फर्स्ट द स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ट्रेसर मस्ट बी सफिशियंट इनफ टू विदस्टैंड डाइल्यूशन इन कोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी इतनी होनी चाहिए कि वो जो स्टार्टिंग होता है सफिशियंट इतना अमाउंट हो कोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में वो ठीक रहे, फिजिकल और केमिकल नेचर जो है उसका मस्ट बी नोन फॉर प्रॉपर लेबलिंग के लिए, उनका हायर हाफ लाइफ होना चाहिए, शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग सिंथेसिस के दौरान वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें एंड शुड नॉट डैमेज द सिस्टम, अगर ऐसा आपने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं लेना कि वो सिस्टम को ही डैमेज कर दे। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 1 हाइड्रोजन 14 कार्बन 24 सोडियम 42 पोटेशियम 35 सल्फर 35 फॉस्फरस एंड 131 आयोडीन। फॉर बायोलॉजिकल एस्टिमेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, एंड फॉर मेटाबॉलिक स्टडीज के लिए करते हैं हम सल्फर फॉस्फरस एंड एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड फॉर द स्टडीज ऑन प्रोटीन्स एल्कलॉइड्स एंड इम्यूनो एसिड्स के लिए हम लेबल नाइट्रोजन एटम। ये था रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज स्टेबल आइसोटॉप्स, स्टेबल आइसोटॉप्स में आएगा जैसे उसमें 1H था तो इसमें 2H, रेडियो एक्टिव में 14 कार्बन है इसमें 13 कार्बन है, 24 एंड 14 नाइट्रोजन एंड 18 ऑक्सीजन, दीज आर द स्टेबल आइसोटॉप्स, दीज आर यूजफुल लेबलिंग कंपाउंड्स एज पॉसिबल इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेटिक पाथवेज। यूजुअल मेथड ऑफ डिटेक्शन है ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम N15 एंड 18O यूज करते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2H एंड 13 कार्बन। नेक्स्ट आता है स्टेप्स, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ट्रेसर टेक्निक में, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड को आपको कैसे बनाना है, सेकंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल कंपाउंड्स इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे डालना है, then separation and determination of label compounds in various biochemical friction, fourth one is method of tracer technique. So preparation of label compound ko humne prepare kaise karna hai, the label compound produced by growing them in atmosphere of 14 carbon atom, label compound kaise banta hai wo unko hum grow karate hain in 14 carbon dioxide, all carbon compounds get label 14C and the 3H is known as tritium. Tritium label compounds are commercially available. Tritium labeling is affected by catalytic exchange in aqueous media. कैसे करते हैं हम exchange? Hydrogenation करते हैं saturated compounds की with tritium gas के साथ.
सो ट्रिटियम क्या है? इज अ प्योर बीटा एमिटर, बीटा इसमें से ग्लियर रेज होती हैं लो इंटेंसिटी की और उनका जो रेडिएशन एनर्जी है वो लोअर रहता है देन 14 कार्बन. सो बाय द यूज ऑफ द ऑर्गेनिक सिंथेसिस CH3MgBr प्लस 14 CO2 दिस इज द रिएक्शन, हमें लेबल कंपाउंड मिलता है यहाँ पर 14 कार्बन. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल कंपाउंड्स. फर्स्ट था प्रिपरेशन, सेकंड है आपका मेथड इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हम कैसे कराते हैं? रूट फीडिंग से करवा सकते हो आप, स्टेम फीडिंग से, डायरेक्ट इंजेक्शन से, इनफिल्ट्रेशन से, फ्लॉटिंग मेथड से एंड स्प्रे टेक्निक से. सो दीज आर द 6 मेथड्स: रूट, स्टेम, डायरेक्ट इंजेक्शन, फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, फ्लॉटिंग मेथड एंड स्प्रे टेक्निक. देन आता है सेपरेशन एंड डिटेक्शन, वो हम कैसे करते हैं? GM गीगर मूलर काउंटर्स, लिक्विड स्केंटिलेशन चैम्बर्स, गैस आयनाइजेशन चैम्बर, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड ऑटो रेडियोग्राफी. देन आता है आपका सबसे पहले गीगर मूलर काउंटर, जिसको हम GM काउंटर बोलते हैं. ये एक ऐसा टाइप का डिटेक्टर है, पार्टिकल डिटेक्टर, जो मेजर करता है आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो. कैसे करता है? बाय द आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन अ लो प्रेशर गैस. लो प्रेशर गैस से जो आयनाइजेशन होती है, यूजली हम गैस कौन सी यूज करते हैं? हम हीलियम, नियोन और आर्गन विद हैलोजन एडेड इन अ गीगर मूलर ट्यूब. गीगर मूलर ट्यूब के अंदर हम ये डालते हैं, विच ब्रीफली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन अ पार्टिकल ऑफ फोटोन या कोई भी पार्टिकल या फोटोन रेडिएशन जाता है, मेक्स अ गैस कंडक्टिव. यहाँ से जाता है तो गैस को कंडक्टिव बना देता है बाय द आयनाइजेशन. और जो ये चार्ज प्रोड्यूस होता है, दिस हैज बीन डिटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ करंट पल्स. जो पल्स आता है ये आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है. ये वोल्टेज सोर्स रेजिस्टर है, काउंटर है, ये एक हमने एनोड है, कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, गैस पास करा तो आयनाइजेशन हो गया, अंदर हीलियम गैस, ऑर्गन गैस जो भी है, ठीक है. तो ये चार्ज, ये जो रीडिंग होगी, this charge has been detected in the form of current pulse. Next is liquid scintillation chamber. इसमें हम क्या करते हैं? Scintillation detector और scintillation counter इसको बोलते हैं, is obtained when a scintillator is coupled to an electronic light sensor. जो scintillator होता है वो electronic light sensor के साथ couple करते हैं a photo multiplier tube such as या फिर फोटो डायड होता है, या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या फोटो डायड के साथ उसको मिलाते हैं. स्केंटिलेटर इज अ मटीरियल, एक वो चीज़ है जो एग्जिबिट करता है स्केंटिलेशन. अब ये क्या है? स्केंटिलेशन प्रॉपर्टी है ल्यूमिनेसेंस की व्हेन एक्साइटेड बाय द आयनाइजिंग रेडिएशन, जिसे शाइन होती है आयनाइजिंग रेडिएशन जब पड़ती है इसके ऊपर. सो सैंपल आर डिजॉल्व सस्पेंडेड इन अ कॉकटेल कंटेनिंग ए सॉल्वेंट, उनके अंदर होता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक सच एज बेंजीन और टोलिन होगा, टिपिकली सम फ्रॉम अ सर्फेक्टेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्केंटिलेटर. ये स्क्रीन लगी हुई है, फोटो इलेक्ट्रॉन से है, फोटो कैथोड, लाइट गार्ड है, ऑप्टिकल कॉन्टेक्ट स्केंटिलेटर, इंसिडेंट पार्टिकल आएगा यहाँ पर, सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो मल्टीप्लायर है, फिर हाई वोल्टेज एंड एम्पलीफायर है, ये उसको वोल्टेज को एम्पलीफाई करके हाई वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर आपका रीडिंग आ जाती है, डाटा स्टोरेज सिस्टम है. So you can see here in the picture, यहाँ से आएगा पार्टिकल, ये ल्यूमिनेसेंस फोटोन है, फोटोन जहाँ पर जो हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, फोटो डायड उसके ऊपर पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एम्पलीफायर्स है, उनका जो रेंज होगा वो हमारे डिवाइस से, हम डाटा से, स्टोरेज सिस्टम से देख सकते हैं. देन इज गैस आयनाइजेशन चैम्बर, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर. And this is widely used for ionizing radiation, X-rays, gamma rays, and beta particles. Conventionally, the term ionization chamber is used exclusively to describe those detectors which collect all the charges. इसमें क्या होता है? सारे charges वो collect कर लेता है by the direct ionization method within the gas through the application of electric field. Visualization of ion chamber operation. Electric field है. इंसिडेंट रेडिएशन पार्टिकल आया, एनोड कैथोड में डिवाइड हुआ, यहाँ से डीसी वोल्टेज सोर्स एंड करंट, एंड यू कैन हियर सी द रीडिंग्स. नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होता है? इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक जो मेजर करती है मास टू चार्ज रेशियो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का.
इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग मासेज ऑफ पार्टिकल, फॉर डिटरमाइनिंग द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ सैंपल और मॉलिक्यूल का डिटरमाइन करता है एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, एंड फॉर इलिस्ट्रेटिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, केमिकल स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेट करने का, सच एज पेप्टाइड्स या अदर केमिकल कंपाउंड्स का ओवरव्यू दे रखा है। जैसे इनलेट है ये सैंपल इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे, फिर आयंस चार्ज है, गैस फेस होगा यहाँ पर, फिर मास एनालाइजर है वैक्यूम चैम्बर के अंदर जब आ जाएगा, वैक्यूम पंप्स लगे हुए हैं, मास एनालाइजर है मास टू चार्ज रेशियो डिटेक्ट करेगा, वह कंप्यूटर है, कंप्यूटर सबसे पहले इनलेट है, आप सैंपल को इंट्रोड्यूस कराओगे, आयन सोर्स है जो मेक गैस आयंस, गैस फेस आयंस, एंड देन मास एनालाइजर, देन डिटेक्टर, बीच में वैक्यूम चैम्बर एंड देन कंप्यूटर। फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज अ रिसर्च टेक्निक दैट एक्सप्लॉइट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं ऑफ सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई टू डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स इन विच दे आर कंटेन्ड। उनका क्या चेक करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स इन विच दे आर कंटेन्ड। इट रिलाइज इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट रिलाइज ऑन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एंड कैन प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर डायनामिक्स रिएक्शन स्टेट एंड द केमिकल एनवायरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। मैग्नेट पोल है, ट्रांसमीटर स्वीप पोल स्पिन करते हैं, हमारा सैंपल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, मैग्नेटिक पोल्स लगे हुए हैं, कंट्रोल एंड कंसोल एंड रिकॉर्डर यहाँ लगा होता है। देन इज द ऑटो रेडियोग्राफी, इट इज अ मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इन प्लांट ऑब्जेक्ट, हिस्टोलॉजिकल स्टडीज करते हैं या फिर क्रोमेटोग्राफी प्लेट से। दिस टेक्निक यूजेज अ फोटोग्राफिक फिल्म और इमल्शन एज अ डिटेक्टर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, एंड दिस सैंपल इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इमल्शन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये एक्सपोजर पीरियड होता है जिस टाइम पर सैंपल क्लोज कॉन्टेक्ट होता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम एक्सपोजर टाइम। ठीक है, फिर मेथड्स और ट्रेसर टेक्निक क्या है, फर्स्ट है प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस, सेकेंड डबल एंड मल्टीपल लेबलिंग, थर्ड है कॉम्पिटिटिव फीडिंग, फोर्थ है आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन, फिफ्थ है आपका सिक्वेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस पीपी, डबल एंड मल्टीपल लेबलिंग, कॉम्पिटिटिव फीडिंग, आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन एंड सिक्वेंशियल एनालिसिस। प्रीकर्सर प्रोडक्ट सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में पहले ही प्रीज्यूम्ड प्रीकर्सर होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑन ए लेबल्ड फॉर्म, इसको हम डालते हैं प्लांट के अंदर और आप थोड़े टाइम के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या रहती है, स्टॉपिंग ऑफ हॉर्डिनिन प्रोडक्शन इन बार्ले सीडलिंग, हम आफ्टर 15 टू 20 डेज ऑफ जर्मिनेशन में देख सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सिंथेसिस है हायोसिन का, डिस्टिंग फ्रॉम हायोसिन इन धतूरा स्ट्रोमेनियम, एंड दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ मोर्फिन एंड एर्गट एल्कलॉइड। सेकेंड इज डबल एंड मल्टीपल लेबलिंग, अब ये क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दिस मेथड गिव द एविडेंस फॉर द नेचर ऑफ बायोकेमिकल इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रीकर्सर अराइजेस डबल एंड ट्रिपल लेबलिंग। इस मेथड में, इन दिस मेथड स्पेसिफिकली लेबल्ड प्रीकर्सर एंड देयर सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन ऑफ रिकवर प्रोडक्ट आर मोर एम्प्लॉयड। इस मेथड का यूजफुल कहाँ रहता है, टू द स्टडी द बायोजेनेसिस ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यूज ऑफ मोरफिन एल्कलॉइड्स हम यूज करते हैं, ये रिएक्शन है इससे आप पढ़ सकते हैं, स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाइपरिडिन यूजिंग डबल लेबल्ड लाइसिन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव फीडिंग है, दिस मेथड प्रोवाइड द पॉसिबल इंटरमीडिएट जितने भी बन सकते हैं, नॉर्मली यूज ड्यूरिंग बायोजेनेसिस, लाइक ए से सी पर जाना है वो बी से भी जा सकता है, बी डैश से या बी बी डैश या ए टू सी कैसे जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव फीडिंग मेथड में पता चलता है। सो दिस मेथड इज यूज फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ द बायोजेनेसिस ऑफ प्रोपीन एल्कलॉइड्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ हेमलॉक एल्कलॉइड्स यूजिंग 14 कार्बोनेट कंपाउंड्स। देन लास्ट इज आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन, दिस मेथड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ बोन क्लीवेज कहाँ पर है एंड देयर फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिएक्शन, एग्जाम्पल ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज क्लीव होता है और कैटलाइज बाय अल्कलाइन फॉस्फेटेज, दिस रिएक्शन अकर विद द क्लीवेज कहाँ से हो रहा है, बाय द सीओ बोन और बाय द पीओ बोन। देन सीक्वेंशियल एनालिसिस है,
This principle of this method is to grow plant in atmosphere of 14 carbon dioxide and then analyze करते हैं after and थोड़े से interval के बाद check करेंगे क्या sequence थी correlated compounds की and become labeled. Application this has been useful in the elicitation of carbon in photosynthesis and determination of sequential formation of opium hemlock and tobacco alkaloids. These all are the applications. Tracing of biosynthetic pathways of cyanogenetic glycosides. इंटररिलेशनशिप हमें चेक करना हो या स्केलिंग साइक्लाइजेशन कैसे कैसे हुई है बायोसिंथेसिस टर्पिनोइड की स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड ओरिजिन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन प्यूरिनेस स्ट्रक्चर सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेसर टेक्निक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो